हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं लाइम वाटर को। ये है लाइम वाटर और इसे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आखिर हम क्या करने वाले हैं, पूरा अंत तक देखें। बारी बारी से हम स्टेप वाइज स्टेप करके बताएंगे कि क्या होने वाला है। आज हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन हम मालूम कैसे करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं? तो उसके लिए हम लाइम वाटर बना लिए हैं, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट है। यानी कि आखिर इसके साथ अब क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन लाइम वाटर क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि आप घर पर लाइम वाटर तैयार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि लाइम वाटर कैसे तैयार करना है। तो आपको लेना है चूना, जिसे घर में पुचाड़ा करते हैं, उसको पानी में डाल करके घोल देना है। घोल करके लगभग 12 घंटे तक छोड़ देना है। उसी तरह से मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये जितना भी पार्ट होगा सब नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ट्रांसपेरेंट वाटर आपको मिल जाएगा, जिसको मैंने दूसरे बीकर में पलट लिया। तो ये हमको मिला लाइम वाटर लगभग 12 घंटे बाद। मैंने इसे 12 घंटा पहले चूने को इसमें घोल करके छोड़ दिया था, तो ये चूना पूरा नीचे बैठ गया। ऊपर जो वाटर मिला ये है लाइम वाटर। आखिर इससे क्या करेंगे? तो हम सभी बचपन में पढ़ चुके हैं कि लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। ये भी मिल्की नहीं है, अभी ट्रांसपेरेंट है। अगर इसमें अभी हम स्ट्रॉ डालें तो हल्का हल्का भी आपको दिखेगा, है ना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, अभी मिल्की नहीं है। लेकिन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि जब लाइम वाटर में अगर CO2 गैस को पास करवाया जाता है तो इसका कलर धीरे 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 होते होते पूरा पूरा मिल्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या जब हम लोग सांस छोड़ें तो उसमें सच में CO2 है? इसको चलो चेक करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, इसमें हम सांस छोड़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसका कलर मिल्की हो पाएगा, क्या हम जब सांस छोड़ें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है या फिर नहीं। ऐसे एक बैग नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है। कुछ समय लगेगा, लगभग 1 से 2 मिनट, और ये हो जाएगा मिल्की। आप यहाँ देख सकते हो कि धीरे धीरे ये मिल्की में टर्न होने लगा है। अब आपको ये स्ट्रॉ आर पार, यानी कि इसके पार बाहर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब मिल्की होने लगा है। इसे और भी मिल्की हो सकता है, और भी इसमें हम फूंक मारते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसका कलर वाइट हो गया, क्योंकि इसमें जब मैं सांस छोड़ रहा था तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनने लगा और ये पूरे में मिक्स होकर के इसका कलर मिल्की कर दे रहा था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसमें शॉर्ट्स वीडियो भी आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों को शेयर इसके लिए जरूर करना, क्योंकि इसका जानकारी केवल किताब से ही मिलती है और ये करके जल्दी नहीं मिलती, यानी कि एक्सपेरिमेंट जल्दी नहीं मिलता है। तो ये कर देना, क्योंकि लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है जब इसे हम CO2 पास करवाते हैं, तब केवल किताब में पढ़ते हैं, हम लोग करके नहीं देखते हैं। तो ये जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।